नमस्ते, मैं शिशिर गुप्ता, एडीसी जम्मू। सभी श्रद्धालुओं का श्री अमरनाथ जी यात्रा में स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं यात्रा के बारे में। पहली बात, उन श्रद्धालुओं के लिए जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर आ रहे हैं, अगर वो ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन जम्मू पर ही RFID और EKYC की सुविधा उपलब्ध है, और ये सुविधा 27 जून 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। जो यात्री बस से आ रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, उनके लिए EKYC और RFID की सुविधा यात्री निवास भगवती नगर में उपलब्ध रहेगी। हालांकि अगर आपकी ट्रेवल डेट 30 जून की है, यानी कि आप यात्रा के लिए 30 जून को प्रस्थान करने वाले हैं यहां से, तो आपको यात्री निवास में 29 जून को शाम 7 बजे तक की एंट्री अलाउड होगी। अगर आप 28 जून या उससे पहले अगर पहुंच जाते हैं जम्मू, तो हमारे कुछ लॉजमेंट सेंटर जो कि यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए हैं, आप वहां पे रुक सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन का होना अनिवार्य है। टोकन की व्यवस्था सरस्वती धाम रेलवे स्टेशन के पास की गई है, और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन का होना अनिवार्य है। और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन सेंटर पे ही मिल जाएगा। आप मेडिकल सर्टिफिकेट 3 और अस्पताल सरवाद हॉस्पिटल, गांधीनगर हॉस्पिटल और राजीव गांधी हॉस्पिटल से भी उपलब्ध कर सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि टोकन पर जो रजिस्ट्रेशन सेंटर लिखा हुआ है, उसी रजिस्ट्रेशन सेंटर पर निर्धारित डेट और टाइम पर ही आपको पहुंचना है, अदरवाइज आपका टोकन जो है इनवैलिड माना जाएगा। इसके अलावा जो फीस निर्धारित की गई है वो है ₹250 प्रति श्रद्धालु यात्री, यानी कि जो बच्चे 13 साल की उम्र से कम हैं, या फिर जो श्रद्धालु 70 या उससे अधिक उम्र के हैं, या फिर जो महिलाएं 6 वीक्स की प्रेगनेंसी ज्यादा हैं, उनको ये यात्रा करना अलाउ नहीं किया जाएगा। किसी भी श्रद्धालु को यात्रा से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या वो किसी तरह की समस्या का सामना कर रहा है, तो हमारे दिए गए नंबर पर वो मैसेज करके या कॉल करके जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं।